हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 32, और ये पेपर हुआ था 20/8/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं प्री के इन 25 क्वेश्चंस को। ये रियल क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये स्पॉटिंग रेगर का क्वेश्चन है। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर, मतलब मेरे फादर ने जो फोन खरीदा वो आपके फोन से डिफरेंट है। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट। अब देखिए, डिफरेंट के बाद हम देन नहीं लगाते, डिफरेंट के बाद एक तो हम फ्रॉम लगाते हैं, तो एक तो ये गलती है। यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं। द फोन दैट माई फादर बॉट, एक तो वो फोन जो मेरे फादर ने खरीदा है, और एक योर फोन। तो या तो आप यहाँ पर लिखिए योर फोन, या इन प्लेस ऑफ योर फोन आप लिख सकते हैं योर्स। ठीक है, द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। योर्स का मतलब है योर फोन। तो देन भी इसमें सी में है और योर भी इसमें सी में है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन वन का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन टू देखते हैं। एज सून एज आई रीच माई ऑफिस आई विल मेल यू द फाइल्स। देखिए, इसमें दो फ्यूचर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है कि जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा आपको फाइल्स मेल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब दो फ्यूचर एक्टिविटीज़ की बात होती है तो एक सेंटेंस को हम लिखते हैं फ्यूचर में और एक सेंटेंस को हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में उस सेंटेंस को लिखते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है जो इन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे एज सून एज, अनलेस, अनटिल। ठीक है, इनसे जो स्टार्ट होता है उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और दूसरे वाला जो पार्ट है, जो मेन क्लॉज है, उसको हम लिखते हैं फ्यूचर टेंस में। तो ये फ्यूचर टेंस में है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ये एसएससी में कई बार पूछा जाता है ये रूल, दो फ्यूचर एक्टिविटीज़ का ये रूल है। तो एक एक्टिविटी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, और जो मेन एक्टिविटी होती है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये इसलिए है क्योंकि इसको आप इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं। आई विल मेल यू द फाइल्स, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये जो सेंटेंस है एज सून एज, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है सेंटेंस, और मेन सेंटेंस पर डिपेंडेंट है ये सेंटेंस। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जो मेन सेंटेंस है इसको हम लिखते हैं फ्यूचर टेंस में। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिकॉज शी हैड अ डीमीनर शी वॉज अ डिजायरेबल फ्रेंड। डिजायरेबल फ्रेंड का मतलब है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। हर किसी की डिजायर है उससे फ्रेंडशिप करना। ठीक है, डीमीनर का मतलब होता है व्यवहार, आपका आचरण या आपका आपके मैनर्स, आपका व्यवहार करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं डीमीनर। तो कैसा डीमीनर आपका होगा जब आपसे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। सीवियर, मीन और नास्टी, ये तीनों ही निगेटिव वर्ड हैं। सीवियर का मतलब होता है कठोर, जैसे सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन। ठीक है, मीन का मतलब होता है छोटी, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ओछा या तुच्छ या छोटा। ठीक है, जो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, जो कुछ किसी को देना नहीं चाहता, उसको हम बोलते हैं मीन। नास्टी का मतलब भी खराब होता है, बहुत ज़्यादा खराब। तो इसमें केवल प्लेजेंट ही पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर प्रेजेंट जो है वो सही वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इफ योर चाइल्ड हैजंट मेट द वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड पब्लिक स्कूल। देखिए, इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस है, और ये है इसमें कंडीशन वाला पार्ट और ये है इसमें रिजल्ट वाला पार्ट। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये है आपका रिजल्ट। मतलब यदि चाइल्ड ने वैक्सीनेशन को नहीं लिया, वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तो ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड पब्लिक स्कूल। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कराया तो उसको स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब वो कैसा है, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या है, क्या वो ऑप्शनल है, क्या वो कंपलसरी है। ऑप्शनल नहीं हो सकता वो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द स्कूल। इसका मतलब वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है।
वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं आएगा। अब कंपलसरी की जगह दूसरे वर्ड्स क्या हो सकते हैं, कंपलसरी की जगह दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंडेटरी, कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि रूल के हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी है, ये आपको कराना ही कराना है, ये ऑब्लिगेटरी है, तो इसलिए यहां पर आएगा कंपलसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टाइमी। ये वर्ड भी रिपीट हुआ है, ये पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। स्टाइमी का क्या मतलब है, स्टाइमी किसी चीज को रोकना या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना या उसको इम्पीड करना, बाधा डालना किसी के काम में, उसको हम बोलते हैं स्टाइमी। तो इसके अकॉर्डिंग तो इम्पीड यहां पर इसका सही सिनोनिम होगा, ठीक है। एक्सप्लीकेट का मतलब है एक्सप्लेन करना किसी चीज को, एक्सप्लीकेट। अब बैट का मतलब है किसी चीज को बूस्ट करना या हेल्प करना, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एट का मतलब भी सहायता करना होता है, ठीक है। तो यहां पर स्टाइमी का सिनोनिम होगा इम्पीड। इम्पीड के लिए ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ड है, हिंडर एक वर्ड है, ठीक है। और इसी से एक वर्ड बनता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी रुकावट होता है, लेकिन इम्पेडिमेंट नाउन है और इम्पीड जो है वो अपने आप में एक वर्ब है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे कलर में यदि मैं फुल लगा दूंगा तो फुल जो होगा वो सफिक्स होगा और वर्ड जो बनेगा वो बनेगा कलरफुल। फुल एक सफिक्स है, फुल का मतलब है कि उसमें एक एडिशन को जोड़ा गया है, तो सफिक्स का मतलब होता है एडिशन। इसको हम पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं, सफिक्स को हम पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, फिक्स मतलब ऐड। और बेसिक, रूट, फोकल का मतलब होता है सेंट्रल, फोकल का मतलब है सेंट्रल। और इसका जो एंटोनिम होगा फोकल का वो होगा पेरिफेरल। जैसे सपोज ये सर्किल है तो ये है इसका फोकल पॉइंट, ये मेन में ये है फोकल पॉइंट, और इसका अपोजिट होगा जो सेंट्रल में नहीं है, जो पेरिफरी पर है, इसलिए फोकल का अपोजिट होता है पेरिफेरल, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। और सफिक्स का जो सिनोनिम होगा वो होगा एडिशन। ये है एंटोनिम। सल्ट्री का क्या मतलब है, सल्ट्री देखिए जैसे गर्मियों का मौसम होता है, मई जून का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा मौसम होता है, उसको हम बोलते हैं सल्ट्री, बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस। तो उसके लिए लेकिन यहाँ पर आपको एंटोनिम चाहिए, ठीक है। अब मगी का मतलब भी उमस भरा हुआ होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा, सॉगी का मतलब होता है दलदल, जिसमें दलदल होती है। तो सल्ट्री का अपोजिट जो होगा वो फ्रिजिड होगा, क्योंकि फ्रिजिड का मतलब होता है ठंडा और सल्ट्री का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म और उमस भरा हुआ, तो फ्रिजिड इसका डायरेक्ट अपोजिट है, फ्रिजिड, ठीक है। सप्पल, सप्पल का क्या मतलब है, सप्पल का मतलब फ्लेक्सिबल, जो मुड़ सकता है। तो यहां पर देखिए फ्लेक्सिबल, प्लायबल और बेंडिंग, ये तीनों सेम वर्ड हैं। प्लायबल के लिए एक वर्ड और है प्लायंट। और ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल हार्ड या भुरभुरा होता है, जो जो आसानी से टूट जाता है, फ्लेक्सिबल टूटता नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटल जो होगा यहां पर सप्पल का एंटोनिम होगा, ठीक है। ब्रिटल जैसे 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 लकड़ी का कोयला जो होता है जलने के बाद एकदम भुरभुरा सा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। तो बी यहां पर सही आंसर आपका होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये एक्चुअली कहावत कहाँ से आई है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जैसे ये डॉग के बिहेवियर से आई है। जैसे डॉग है एक गिलहरी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन गिलहरी देखिए इस पेड़ पर है और डॉग उस गिलहरी को यहाँ पर ढूंढ रहा है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर किसी चीज को ढूंढना। तो यहां पर इसका आंसर होगा लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। कॉल इट ए डे का मतलब होता है अपने काम को खत्म करना। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपका 9 से 5 ऑफिस होता है, आप 2 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 2 बजे आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू कॉल इट ए डे। यदि 2 बजे आप जाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं या काम को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो टू डिक्लियर द एंड ऑफ ए टास्क या एंड ऑफ ए डेज वर्क, कुछ भी बोल सकते हैं। तो डी इसमें आपका आंसर होगा, कॉल इट ए डे। वुड यू माइंड, देखिए कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे एक होता है जैसे माइंड होता है आई डू नॉट माइंड हेल्पिंग यू, आई डू नॉट माइंड टीचिंग यू। तो माइंड जो वर्ड है इसके बाद हम जेरंड फॉर्म लगाते हैं,
ठीक है। तो इसके साथ यहां पर माइंड के बाद यहां पर आएगा कैरिंग, टू नहीं आएगा इसमें, केवल कैरिंग आएगा, केवल जेरेंड फॉर्म आती है इसके बाद, इस माइंड वर्ड के बाद, ठीक है। इसमें आपका आंसर होगा बी, और इसी से मिलता जुलता एक फ्रेज और है, आई कैन नॉट हेल्प, या आई कुड नॉट हेल्प, या ही कुड नॉट हेल्प। तो इस तरह के फ्रेजेस में भी हम हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द चाइल्ड वुड हैव जंप्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। इसमें किस सेंटेंस, इसमें किस टाइम की बात हो रही है? ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस, मतलब बच्चा जो है वो खुशी के मारे उछल पड़ा। द चाइल्ड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस, सर्कस में जोकर को देख के वो खुशी के मारे उछल पड़ा। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वुड हैव कहना गलत होगा। सिंपल पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर आपको लगाना है, क्योंकि पास्ट इंसिडेंट की बात हो रही है इसमें। और ये जो फ्रेज है ऑन सीइंग, ये पास्ट में ही नॉर्मली यूज होता है, ऑन सीइंग। तो यहाँ पर आएगा आपका जम्प्ड, सिंपल पास्ट टेंस आपको चाहिए यहाँ पर, जम्प्ड केवल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। द चाइल्ड जम्प्ड विद डिलाइट, मतलब बच्चा खुशी से उछल पड़ा जोकर को देखने के बाद, जब उसने जोकर को देखा सर्कस में तो खुशी से उछल पड़ा। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर आपको चाहिए। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म। देखिए क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है, और क्वेश्चन का मीनिंग यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हार्म किया जा सकता है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, जिसको अटैक किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है। तो यहां पर बी इसमें आपका आंसर होगा वल्नरेबल। वल्नरेबल का एक मतलब ये भी है, सपोज कोई एक्सपोज्ड है, मतलब जिसको आसानी से कोई डिजीज लग सकती है, बीमारी लग सकती है, जिस पर अटैक हो सकता है, जिसको चोट पहुंचाई जा सकती है, वो वल्नरेबल है। जैसे कोई भी सीधा साधा एक गांव का व्यक्ति है, वो वल्नरेबल माना जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी पागल या बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। हार्ट, कोई भी उसको हर्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पर द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वल्नरेबल या वल्नरेबिलिटी। ये नाउन फॉर्म है। वाइगर का मतलब होता है शक्ति या स्ट्रेंथ। फोर्टिट्यूड, ये फोर्ट से बना है, फोर्ट यानी किला। तो किला किस चीज़ का प्रतीक है? किला शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ या शक्ति। और क्लाउट क्या होता है? क्लाउट होता है इन्फ्लुएंस। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, सिफारिश से उसकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, वो अपने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करता है और उससे उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसको हम क्लाउट या जैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखिए। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है शक्ति या स्ट्रेंथ। वल्नरेबिलिटी मतलब आप एक्सपोज हैं और आपको हर्ट किया जा सकता है। वाइगर मतलब शक्ति। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉलेम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, इसको क्या बोलते हैं? कोई भी व्यक्ति एक प्रॉमिस करता है, अंडरटेक करता है कि मैं इन इन चीज़ को फॉलो करूंगा, तो उसको हम प्लेज बोलते हैं, शपथ बोलते हैं, शपथ लेना। उसको हम ओथ भी बोलते हैं, OATH, ओथ। ओथ या प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, ये एक फॉर्मल वर्ड है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, सॉलेम का मतलब होता है सीरियस या सिंसियर। प्लेज यहाँ पर सही आंसर होगा। डिसीट का मतलब है धोखा, ठीक है, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव वर्ड इसी से बना है, डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला, और डिसीट होता है धोखा, ये नाउन है। मिथ का मतलब होता है जिसको काफ़ी सारे लोग सही मानते हैं लेकिन जो गलत है। मिथ का मतलब होता है मिसकंसेप्शन, ठीक है, इसको हम सागा भी बोलते हैं, SAGA, सागा या मिसकंसेप्शन। और परजरी का क्या मतलब है? परजरी का मतलब होता है कि आप शपथ ले रहे हैं लेकिन शपथ में आप झूठ बोल रहे हैं। द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रुथ और मेकिंग ए मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर ओथ। अपनी एज गलत बता दी आपने, अपना डेट ऑफ बर्थ गलत बता दिया, ठीक है, अपना बर्थ प्लेस गलत बता दिया ओथ लेते समय, तो उसको हम बोलते हैं परजरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मिथ
मिथ का देखिए क्या मतलब है, अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडिया, मतलब काफ़ी सारे लोग उसको सही मानते हैं लेकिन वो चीज़ गलत है। इसको हम सागा भी बोलते हैं, मिसकंसेप्शन भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्टली वर्ड भी पूछा जा सकता है जिसकी स्पेलिंग गलत है, और करेक्टली स्पेल्ट वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट कौन सा है, यानी एक ही वर्ड चार बार दिया है लेकिन सही स्पेलिंग कौन सी है। कंसेंसस, कंसेंसस होता है आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं कंसेंसस। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। तो CONSENSUS ये इसकी सही स्पेलिंग है, CONSENSUS ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको प्रेसिडेंट की, PRECEDENT, ठीक है। प्रेसिडेंट की सही स्पेलिंग इसमें एक्चुअली ये राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट नहीं है, ये मॉडल वाला प्रेसिडेंट है। किसी भी चीज़ का जब आप एग्जाम्पल देते हैं, किसी भी चीज़ का जैसे एक स्पेसिमेन होता है, एक मॉडल पैटर्न होता है, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सिनोनिम मैंने बताए हैं, यहाँ पर मॉडल, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल, पैटर्न। एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, प्रेसिडेंट का मतलब है कोई 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 एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को करने का। प्रेसिडेंट यहां पर इसकी सही स्पेलिंग है, PRECEDENTS। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैराजम्बल। देखिए पैराजम्बल में ये सेंटेंसेस कभी कभी टेक्निकल सेंटेंसेस बीच में से उठा के दिए जाते हैं, आपको सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है, जरूरी नहीं है उसका मीनिंग आपको समझ में आए। तो देखिए दे हैड बीन थ्रोन, थ्रोन के बाद अपॉन आएगा क्योंकि थ्रोन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है। दे हैड बीन थ्रोन अपॉन देयर ओन एक्सर्शन एट एन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज एक फ्रेज है, एट एन अर्ली एज, तो ये हो जाएगा सेकेंड, और हार्ड के बाद बैटल जुड़ जाएगा, हार्ड बैटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो इसमें आपका आंसर बनेगा एक्स जेड और बाय, एक्स जेड और बाय, यानी फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दे हैड बीन थ्रोन अपॉन देयर ओन एक्सर्जेंस एट देयर एट एन अर्ली एज एंड हैड ए हार्ड बैटल टू फाइट विथ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में ही कम एज में ही उन वो अपनी मुसीबतों के नीचे दब गए और उन्होंने हार्ड बैटल किया गरीबी से और इग्नोरेंस से लड़ने के लिए। किसी स्टोरी में से ये पार्ट लिया गया है, आपको केवल लॉजिक अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभी पैराजम्बल इस तरह के दिए जाते हैं जिसमें टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस से कोई सेंटेंस उठा लिया या इंजीनियरिंग से कोई सेंटेंस उठा लिया, तो उसमें आपका लॉजिक आपको अप्लाई करना है, लॉजिक बहुत काम में आएगा आपके। जैसे यहां पर आप देखिए द अनस्टेटेड एजम्पशन इज, अनस्टेटेड एजम्पशन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब, अब वर्ब के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, लॉजिक, ये मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा, नाउन किसी भी तरीके से हो सकता है, नाउन किसी भी चीज का एक नाम होता है। द अनस्टेटेड एजम्पशन इज मतलब अनस्टेटेड एजम्पशन जो है, एजम्पशन का मतलब किसी चीज को मानना, कोई विचार या कोई ओपिनियन, कोई धारणा, ठीक है। द अनस्टेटेड ओपिनियन इज, अब अनस्टेटेड ओपिनियन क्या है वो यहां पर आपको चाहिए, वो नाउन के फॉर्म में भी हो सकता है या नाउन, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज जो स्टार्ट होते हैं वो दैट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। द अनस्टेटेड एजम्पशन इज दैट द ग्रांट ऑफ ए डिफरेंट टाइम, यानी फर्स्ट इसमें ये आएगा, टाइम के बाद जोन वर्ड जुड़ेगा, टाइम जोन जैसे होते हैं अलग अलग, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा टाइम जोन, तो ये वो जुड़ जाएगा सेकंड। और यहां पर आ रहा है एंड में टुवर्ड्स, ठीक है, टाइम जोन इज ओनली द फर्स्ट टेम्पोरल स्टेप टुवर्ड, टुवर्ड वॉट, टुवर्ड कंसीडिंग स्पेशल ऑटोनॉमी। देखिए ये सेंटेंस काफी टेक्निकल है और लॉजिक आपको अप्लाई करना है, लॉजिक के अकॉर्डिंग इसका जो सीक्वेंस बनेगा, ये शायद साइकोलॉजी का सेंटेंस है, साइकोलॉजी से कहीं से लिया है ये, तो इसमें वाई जेड और एक्स,
वाई जेड और एक्स ये सेंटेंस है और साइकोलॉजी का ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग समझना जरूरी नहीं है, आपको लॉजिक अप्लाई करके इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालना आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ चला जाएगा, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स ये हो गया इसमें सब्जेक्ट, आर गोइंग टू वॉच, आर गोइंग टू वॉच ये हो गया वर्ब, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच, मेरे फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच, गोइंग टू वॉच के बाद वॉच का ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी, ठीक है, तो मूवी हुआ इसमें ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा है। तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो मूवी से बनेगा, ठीक है। अब मूवी शुरुआत में किस में दिया है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसमें विल तो आएगा नहीं और इसमें वॉच भी नहीं आएगा और विल हैव भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस बचा और यही इसका आंसर होगा। अ मूवी, देखिए इसमें मूवी दिया है, इसमें मूवी नहीं दिया, इसमें मूवी नहीं दिया, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें वॉज दिया है, इसमें विल दिया है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अ मूवी इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माई फ्रेंड्स टू नाइट। वॉच इसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वॉच्ड भी सही है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये, फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। वट टाइम डज द फ्लाइट अराइव, शी आस्क द रिसेप्शनिस्ट, उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि फ्लाइट किस टाइम पर आती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस है ये, तो इसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब वो यहाँ पर पास्ट में है, तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। अब ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। हालांकि द पास्ट डिड होता है, लेकिन इसको हम अफर्मेटिव में लिखेंगे तो अफर्मेटिव में पास्ट सिंपल टेंस में डिड का प्रयोग हम नहीं करते, हम केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको आप ध्यान रखिए। शी आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट व्हाट टाइम द फ्लाइट अराइव्ड, यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट टाइम डिड द फ्लाइट अराइव, डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ये सही है, व्हाट टाइम डिड नहीं आएगा इसमें, क्योंकि डिड आप लगा देंगे फिर तो ये क्वेश्चन पैटर्न हो जाएगा और ये क्वेश्चन नहीं है। यदि क्वेश्चन होता तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क होता, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल पैटर्न है। इसमें हम वी टू का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए अराइव है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये अराइवल नहीं आएगा इसमें। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये है आपका कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछते हैं और कभी कभी क्लोज टेस्ट पूछते हैं। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं। ड्यू टू पुअर रेनफॉल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द बाडू मंगाई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर। इसमें एक सीजन की, एक पर्टिकुलर फसल की इसमें बात हो रही है कि बारिश की कमी की वजह से, पिछले कुछ महीनों में बारिश की कमी की वजह से बाडू मंगाई सीजन जो है वो ऐसा लग रहा है कि उसका सीजन जो है थोड़ा कम रहेगा, फसल कम होगी। बाडू मंगाई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर। There are two distinct varieties available in the vicinity of Coimbatore. Coimbatore एक जगह का नाम है। Vicinity का मतलब होता है neighborhood, आसपास, ठीक है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि there are two distinct varieties, दो अलग अलग varieties हैं जो कि available हैं कहाँ पर, in the vicinity of Coimbatore, Coimbatore के आसपास। The closest to Coimbatore and the one that appears in the market first, मतलब जो कोयम्बटूर के पास है
और जो सबसे पहले मार्केट में आता है वो है थडागम वैरायटी, थडागम वैरायटी, ठीक है। द सेकेंड एंड मोर पॉपुलर वैरायटी इज द वन फ्रॉम द थिरुमूर्ति हिल्स। जो दूसरी वैरायटी है, द सेकेंड एंड मोर पॉपुलर, जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो आती है थिरुमूर्ति हिल से, नियर नियर उडुमलपेट, एक जगह का नाम है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कमर्शियल पिकल ब्रांड्स विस्क दीज मंगाई अवे इन बिग लॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होल सेलर्स। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल डाउन टू द लोकल मार्केट। काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेजेस इसमें यूज़ किए हैं। यहाँ पर ये इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो इसमें आम की बात हो रही है एक्चुअली, तो इसमें जो जो फसल होती है उसमें जो पॉपुलर फसल होती है उसको लोकल मार्केट में वो नहीं आ पाती। लोकल मार्केट में क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो जो पिकल ब्रांड्स हैं, जो अचार बनाते हैं, वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उस फसल को खरीद लेते हैं। इसलिए लोकल मार्केट में बहुत कम माल आ पाता है, ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल वेंडर्स, बेचने वाले, वेंडर्स मतलब बेचने वाले। स्मॉल वेंडर्स ब्रिंग सैक्स फुल ऑफ दीज टाइनी टेंडर मैंगोस, मैंगोस की इसमें बात हो रही है, टू वन पर्टिकुलर स्ट्रीट कॉर्नर इन रामनगर ड्यूरिंग द सीजन। द कॉर्नर ऑफ राजा जी रोड एंड सत्यमूर्ति रोड प्लेज होस्ट टू दीज वेंडर्स। मतलब यहाँ पर इसका इसकी खरीद और बिक्री होती है, ये मार्केट है एक्चुअली। फ्रॉम एज अर्ली एज 7 AM, 7 AM से इसकी सेल्स एंड परचेज होता है इसका, 7 AM से शुरू हो जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी दे हैव, द मंगाइज आर अवेलेबल अंटिल अराउंड 10 AM। इफ द वेंडर्स हैव ए गुड डे एंड देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड क्विकली, दे पैकअप एंड लीव इवन एज अर्ली एज 9 AM। मतलब 7 बजे आ जाते हैं और 10 बजे तक उनका माल, 11 बजे तक उनका माल बिक जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी यदि अच्छी है तो 9 बजे तक भी वो फ्री हो जाते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर पैसेज है आम की फसल के बारे में है। व्हाट डू यू थिंक थडागम इज फ्रॉम द, थडागम क्या है? थडागम एक आम की वैरायटी है। आ फेस्टिवल तो नहीं है, आ वैरायटी ऑफ वाडू मंगाई मैंगो, वाडू मंगाई मैंगो की एक वैरायटी है ये थडागम, ठीक है। अ वर्ड ये नहीं होगा, अ वैरायटी ऑफ मैंगो पिकल नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर होगा आपका बी, ठीक है। व्हाई डू लोकल मार्केट गेट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस? लोकल मार्केट में स्मॉल पोर्शन ही मैंगो की फसल का क्यों जा पाता है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो हैं वो अचार बनाने के लिए वहाँ से बड़ी क्वांटिटी में उस मैंगो को खरीद लेते हैं। कमर्शियल पिकल कंपनीज बाय द मैंगोज इन ह्यूज क्वांटिटीज, तो ए इसका सही आंसर होगा। वॉट मे हैपन इफ देर इज एडिक्वेट रेनफॉल, यदि पर्याप्त रेनफॉल होती है तो क्या होगा? तो ये होगा कि मंगाई मैंगो का जो सीजन है वो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। द बाडू मंगाई सीजन विल बी लॉन्गर दैट ईयर, इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, द मोर पॉपुलर बाडू मंगाई मैंगोज आर फ्रॉम, दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है आपका यहाँ से थिरुमूर्ति हिल से है, फर्स्ट वाला यहाँ से है, ठीक है, जो उसमें पैसेज में दिया गया है, इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बाडू मंगाई मैंगोज, बाडू मंगाई मैंगो कैसा है? बाडू मंगाई मैंगो टाइनी और टेंडर है, ये आया है ये वर्ड पैसेज में, टाइनी और टेंडर, छोटा है और बहुत सॉफ्ट है वो, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सेट 32 था, ये SSC CGL 2017 के रियल क्वेश्चंस हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आप प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस अनटिल द एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ, लेकिन नॉर्मली इसी तरीके के क्वेश्चंस SSC के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका कोई भी फीडबैक है तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।